हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पटनाइट्स किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिली पनीर। तो चिली पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए हम उसे देख लेते हैं। तो हमने लिए हैं, एक ये ब्राउन अनियन है जो हमारे नॉर्मल प्याज से अलग होती है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, आप कोई भी प्याज यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने ब्राउन अनियन लिया है। और हमने लिए हैं एक कटे हुए शिमला मिर्च, हाफ कटी हुई येलो शिमला मिर्च और हाफ कटी हुई लाल शिमला मिर्च हमने ले लिए हैं। हमने तीन हरी मिर्च लिए हैं जिसको हमने काट लिया है, हरी मिर्च आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने दो टेबल स्पून अदरक लहसुन बारीक कटे हुए लिए हैं, और ये थोड़ा सा हमने कटे हुए हरे प्याज लिए हैं जिसको हमें गार्निश करना है। और हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, हमने पैकेट वाला पनीर यूज़ कर रही हूँ, आप घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। हम चाइनीज योक लिए हैं, आप चाहें तो लोहे का कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। लोहे के कढ़ाई में बनाने से पनीर चिली ऐसा होता है कि मतलब अच्छा बनता है। तो जैसे हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा, हम इसमें तेल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल 2 से 3 चम्मच डालेंगे, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी ऑयल कर सकते हैं। हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हमने अच्छे से मिला लिया है कढ़ाई में चारों तरफ। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें कटे हुए अदरक लहसुन डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं। और जब ये क्रैकल हो जाएगा तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस 10 से 15 सेकंड भूनेंगे। अदरक लहसुन का जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल जाएगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा पनीर चिली का। 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए सब्जियाँ जो हमने काट के रखे हैं पहले से। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, ब्राउन अनियन जो हमने लिए हैं, सारे प्याज को डाल देंगे इसमें। फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डालने के बाद येलो वाली भी डाल देंगे और लाल वाली भी डाल देंगे, सारे शिमला मिर्च को डाल देंगे हम। आपके पास कलरफुल है तो आप कलरफुल यूज़ कीजिए, नहीं है तो सिर्फ आप ग्रीन शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। सारी सब्जियों को डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी को ज़्यादा हम लोग नहीं फ्राई करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अजीनोमोटो 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाले हैं ब्लैक पेपर, और सॉल्ट डाल देंगे इसमें, नमक स्वादानुसार डालें हमेशा। अब इन तीन चीज़ों को डाल करके अच्छे से फिर इसमें हम सब्जियों में मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। और इस टाइम जो गैस का फ्लेम होगा वो हाई होगा, हाई फ्लेम पर ही चाइनीज रेसिपी बनती है, और चाइनीज़ योक का हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि इसमें सब्जियां चिपके नहीं, इसमें सब्जी चिपकती नहीं है। तो लोहे का कढ़ाई या आप इस कढ़ाई में बना सकते हैं तो अच्छी बनती है, चिपकती नहीं है। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सब्जी हमारी भुनती हुई 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से भुन गए हैं और सब्जियों का कलर भी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया, ज़्यादा सब्जियाँ पकानी नहीं है। अब इसमें हम सॉस डाल देंगे, तो डार्क सोया सॉस डालेंगे इसमें 1 चम्मच, इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। सॉस भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा तीखी पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच रेड चिली सॉस, ताकि इसमें कलर जो है अच्छा आए हमारा पनीर चिली में। रेड चिली सॉस डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर, जिससे थोड़ी सी हमारी सब्जी में जो है वो खटास है चिली पनीर में, और सोया सॉस भी डालेंगे 1 चम्मच। तो हम अंदाज से ही डाल दिए इसको, तो दोनों सॉस का हमने यूज़ किया है, आप चाहें तो सिर्फ एक का भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क सोया सॉस या नॉर्मल सोया सॉस, तो हमने दोनों यूज़ किए हैं। विनेगर डाल दिए इसमें हमने, अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, जो कि कॉर्नफ्लोर हमने लिए थे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और उसमें 1 से 2 ड्रॉप फूड कलर, और पानी लेकर के इसको अच्छे से मिला करके हम इन सारी सब्जियों में डाल देंगे, और इसको तब तक फ्राई करेंगे, भूनेंगे ग्रेवी को जब तक कि सब्जियों का कलर अच्छा ना आ जाए। हमने सॉस जो डाले हैं और ये कॉर्नफ्लोर, तो सब्जियों का थिकनेस अच्छा हो जाना चाहिए। तो अब इन सारी चीज़ों को मिला करके अच्छे से इसको भूनेंगे हम।
और जैसी आपको ग्रेवी चाहिए, हम ग्रेवी वाली चिली पनीर बना रहे हैं तो हमको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, थिक ग्रेवी, तो आप अपने अनुसार भी ग्रेवी जो है कम ज़्यादा पतला गाढ़ा कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और सब्जियों को रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे जो हमने फ्रोज़न पनीर यूज़ किया था, आप फ्रेश पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सब्जियों पनीर को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने ग्रेवी रेडी किया है। तो पनीर को अच्छे से इसमें जो हमने ग्रेवी किया उसमें उसको अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटे हुए हरा प्याज डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं। हरा प्याज डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका ग्रेवी को अच्छे से रेडी करना है हमें मिक्स करके। तो अच्छे से इसे भून लेना है हाई हीट पर ताकि ऑयल सेपरेट होने लगे। और ये देखिए सब्जी का कितना सुंदर कलर आ गया है और सब्जी का ग्रेवी भी हमने इसमें थोड़े से पानी और ऐड किए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं ग्रेवी कितना खूबसूरत लग रहा है और सब्जी भी हमारी बिल्कुल बनकर एकदम देख सकते हैं क्लोज से रेडी हो चुकी है। देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा है, हम पास से आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। पनीर चिली हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हरा प्याज लेके इसको गार्निश कर देंगे और सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप पूड़ी पराठे नान के साथ या फ्राइड राइस के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, सबके साथ ही बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।